इन्होंने क्या मच्छर प्रूफ काया का वर्ण किया है। मच्छर प्रूफ का मतलब यह है कि अगर कोई मच्छर इनके शरीर में अपना रक्त चूसक यंत्र फिट करे तो इनके शरीर में सब कुछ मिलेगा लेकिन रक्त जैसा तत्व प्राप्त नहीं होगा। इतने वलिष्ठतम कवि आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चहलकदमी कम हो तो मैं इस हास्य के हिमालय को आवाज देना चाहता हूं। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उन्हें सुने, आनंद लें। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, उस महाभाग को प्रणाम करता हूं जिनके विवाह की आज वर्षगांठ है। उन्होंने आके माइक पर यह भी कहा कि भगवान करे ऐसी पत्नी सबको दे। हम नहीं कह सकते, मैं यही कहूंगा भगवान जैसी मुझे मिली है कम ही लोगों को मिलेगी। ये जो बीच बीच में महाराजा रणजीत सिंह के खानदानी टोपा लगा के परोस रहे हैं, बंद हो जाएं। आप लोग थोड़ा सा मन बनाइएगा, मैं पत्नी के द्वारा प्रताड़ित 60 वर्षीय योद्धा आपके सामने खड़ा हूं। इसलिए जो भाव शेखर जी के हो सकते हैं हमारे नहीं हैं। मैं बता रहा हूं सर कि एक अदद मेरे पास भी पत्नी है सर, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर, बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं अपने घर में ही सम्मान का पात्र नहीं हूं तो आपसे कितनी सम्मान की अपेक्षा करूं। भाई साहब, अगर आपके कोई गेस्ट हों, वीआईपी गेस्ट हों, तो सबसे आगे बैठाइए। बैठ जाए सर, अगर सर आपको वहां जगह ना मिले तो यहां आइए बैठिए, यहां जगह खाली। अरे ये दिलेरी देखिए कि हम ऊपर बिठा रहे हैं आपको, आप तो हमको नहीं बुला के बिठा लिए। मन बनाइएगा, यहाँ हास्य कवि सम्मेलन है, हम जबरदस्ती वीरता नहीं दिखा सकते। हम वीर रस के कवि नहीं हैं, हम कोई हट्टा कट्टा पर्सनालिटी धारा थोड़ी हैं, हम तो गई गुजरी पर्सनालिटी धारी हैं। इंग्लिश बोलते हैं भैया आप, तो जिस लायक है वही करते हैं। हमें ये सुनो, ये रणजीत सिंह के दमाद, अब तुम आगे वाली पंक्ति में मत आओ यार, आगे वाली पंक्ति में मत आओ, तो के देख के बहुत गुस्सा लग रहा है। क्या वो कर लेंगे? अच्छा चलिए, बहुत हमको गुस्सा लगेगा तो हम इनका क्या कर लेंगे। अगर मंच पर जितने कवि हैं, अगर कोई बड़ा कवि है तो, हालांकि बड़ा मैं भी हूँ और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, मगर फिर भी औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को दो बार प्रणाम, संचालक को तीन बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को शत शत बार प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है, और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है, और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं हूँ।
सर मैं ऐसा नहीं है कि मैं सर सरकार के नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हूँ। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण, जो काम अपने खिलाफ है काहे माने, सरकार चिल्लात रहे नहीं मानते। ऐसा नहीं है सर कि मैं नारियों का सम्मान नहीं करता, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो, दूसरे की औलाद है छोड़ दो। और तब देखिए ये हास्य कवि सम्मेलन होली एकदम सर पे है, इसलिए पढ़ रहा हूँ और चार पंक्तियाँ यहाँ से पढ़ता हूँ, आपसे समर्थन की भीख मांगता हूँ, नहीं हम पांचवी पंक्ति पढ़ने कसम खा के थोड़ी आए हैं। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। ये देश है सर, ये देखिए ये पूर्व एक चच्चा थे सर पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में, वो एक दिन गुस्से में मुख्यमंत्री से कह दिया कि अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते मान बच्चवा अटक के अड़क अकड़ के खड़ा हो गया, फिर चच्चा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करे कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। वाह 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 जिंदाबाद। ये देश है सर, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है सर बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है सर, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है, तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। वाह 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 वाह। ये और पढ़े कि रहे दें? हाँ और पढ़े। देखिए सर मैं क्या बताऊँ, यहाँ ये कवि सम्मेलन का माहौल नहीं है। मैं क्या बात है, एक बार जोर मार ताली सर। मैं खड़ा भी हूँ, अपने में इतनी ताकत नहीं थी, वो तो अंदर का लिक्विड बोल रहा है। मैं सर आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और इलाहाबाद में गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। ये झूठ बोल रहे हैं आप।
और 57-58 बरस का हो गया हूँ। आपसे सच बता रहा हूँ, मुझको सिनेमा की हीरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं। घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। तो यहाँ से सर मैंने भगवान से एक प्रार्थना की, और ये छंद पढ़ता हूँ, व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, मगर इसको आप छल छंद कह सकते हैं। वाह, ये कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी, मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी, माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी, हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही हम पढ़ रहे थे भगवान के सामने, हमारी औरत ने देख सुन लिया साहब। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक छंद उसने मुझ पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए, और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए, और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। ये है तो हम कैसे कह दें कि हम सब हमारे जैसे पत्नी सबको मिले, काहे कहें भाई। और आपको बताएं, यहीं से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक कदम और आगे बढ़ती है सर। बहुत धार्मिक महिला है, और रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का भी ख्याल है जिसमें राजा दशरथ वगैरह थे, महाभारत भी पढ़ती है भरतवंशियों जिसमें धृतराष्ट्र वगैरह थे, उसका भी ख्याल है। एक छंद और पढ़ के उसने समझाया, इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, हर पुरुष ले जाएंगे गाढ़े बखत पर उनको काम आएगा। इसीलिए मेरी शादी आज तक टूटी नहीं, कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी, एक ही लुगाई से कामना चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो जाऊं। एक और सुना दीजिए कुछ, और सुना दीजिए। इतना इतना अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं देखिए ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ता हूं आपके सामने। ये जैसे इन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में पढ़ने का पहला कवि हूं, मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का पहला कवि हूं। जो हमारे पहले काठो थे भगवान को प्यारे हो गए, और मेरी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती। सर आपको बता दें, मैं पत्नी के द्वारा पीड़ित हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता ज्यादा। मैं आपको बताऊं सर, 3-4 महीने पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया, मैं 3-4 दिन बाद अपनी पत्नी को लेके उसके घर गया, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे एक कप चाय पिए, फिर
फिर बाथरूम गए, जब वहां से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनते ही मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही दो चार चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा, भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा, चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर कष्ट पड़ा है, मैं आई हूं कल। तो इसलिए नहीं निष्ठा रखते, बहुत दूर से प्रणाम करता हूं, आप अपनी पत्नी को भी दूर से प्रणाम करता हूं। मेरी पत्नी एक 30 साल पहले कह रही थी, सर कि अगर औरतें अपने पर आ जाएं तो हमने कहा क्या कर लेंगी? कहा मैं अगर अपने पर आ जाऊं तो तुमको छोड़ दूंगी, आज तक नहीं छोड़ पाए। तो हम क्या मान लें कि बहुत सच बोलती हैं, अगर हम कहे होते तो हम करके दिखाते, क्योंकि हम कहे नहीं, इसलिए कि निष्ठा है। सर देखिए, मैं ये चार पंक्तियां यहां से पढ़ता हूं और देश के वरिष्ठतम राजनीतिक पर टिप्पणी करता हूं, जिन्होंने 88 और 90 बरस की उम्र में वो कांड किया कि भगवान करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, शेखर जी भी लें। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा सा पूरब की ओर चलें, धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक केवल राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय दो के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर सर इन्हें राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये सर
अपने प्रदेश से सच्ची बात कहने का प्रयास, और जो अपने नाम के आगे बड़े गर्व के साथ दुबे तिवारी ओझा पांडे शुक्ला लिखते हैं, थोड़ा उनको धिक्कारता चलूं मैं, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं। कितने कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, चाट चाट के चरण हो गए माया के दरबारी। कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, चाट चाट के चरण हो गए बहना के दरबारी। झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी, झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी, बिना भाव के जाएंगे एक दिन सतीश मिश्रा जी। तो जात की चिंता न है स्वाभिमान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां सर, चार पंक्तियां, इन्हें पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं आप। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। यह राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। हाँ।